talk like this, and here's the story for you. That's the moment we felt that she was into it from the very first moment. She said, you know, I have never endorsed brands. Not that I've not got offers. I've got many offers. But this is something, if I do, I will do it, and I myself will remember it. And that's the reaction we were expecting when we were saying something like this to a brand ambassador. And mind you guys, this is not one of the ads that we are making with Bharti. She is the brand ambassador, so the journey with Joy Honey and Almonds Nourishing Body Lotion starts from this campaign. She's a part of a print campaign. She's a part of all our... So much. Sorry, my gala sat down. I shot the night all night. And... सबको ऐड अच्छा लगा, मैं सुंदर लगी, हैं? आदमी लोग तो कोई बोला नहीं, लड़की ये कौन सा बीवियां देखेंगी, बोल दो. अच्छी लगी मैं इसमें, बट मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि एड्स की ऑफर नहीं थी, बट सबको लगता है कि जो मोटे होते हैं लोग वो उसी प्रोडक्ट के लिए बनते हैं जो मोटापे वाले होते हैं. जैसे अभी आप लोग हंसोगे मैं बोलूँगी, मुझे एक आटा होता ना, आटा चुकाते हैं, उनकी ब्रांड में से बनना था कि आपको ना आटे के ऊपर आटा पकड़ना है रोटी, और वो आपको एक ऐड करना है. फिर एक मुझे घी का ऐड मिला था, फिर एक छाछ का मिला, फिर एक नाम नहीं बोलूँगी, हलवाई है, उनका ऐड मिला था कि आपको ऐड भी नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे जो बाहर पोस्टर है दुकान के बाहर लड्डू के साथ खड़े रहना. तो मेरे को इतना होता था कि यार, मतलब मैं कभी कभी मन में सोचती थी कि यार जो मोटे लोग होते हैं इन्हीं एड्स के लिए बचे. बट जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, अप्रोच किया, तो पहले तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, क्रीम की ऐड के लिए, लोशन की ऐड के लिए, भारती कैसे. फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कोई फेक तो नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ. मैं जब इनसे मिली तो उन्होंने बताया, मैं जैसी थी मैं वैसी ही गई, मतलब चलो मेकअप किया हुआ है, मैं पूछू मैं ऐसी ही थी. मैंने इनको पहले भी देख लिया, क्योंकि टीवी पे मेकअप वेकअप होता है, तो उनको लगा होगा यस स्किन बड़ा अच्छा है तो इसको लेते ही हूँ. मैं जैसी नेचुरल थी मैं वैसे ही गई, तो उन्होंने वो भी देख के बोला कि आपका स्किन बहुत अच्छा है. और मैं बार बार उनको पूछूँ, आपने मुझे लिया है ना, मतलब आप कर रहे हैं ना हम, क्योंकि जब तक जिस दिन ऐड की शूटिंग नहीं हुई मुझे विश्वास ही नहीं था. मैं कोई मेरे नेचुरल फोटो देखे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, मना ही ना कर देना कल नहीं हो रहा. तो मुझे सच में मैं बहुत शौक हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है पॉलोमी कि मैंने ये ऐड कर लिया. और इतना अच्छा ब्रांड जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, जिसका लास्ट टाइम अनुष्का शर्मा जी ने जिनका ऐड शूट किया था इस ब्रांड के लिए, अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एक नज़रिया बदल रहा है, और जॉय ने ये नज़रिया बदला है हम सबका. और मुझे इतना इन्होंने इतना मुझे मतलब लेक्चर दिया बैठ के कि आप सुंदर हो, ये वो, ये ऐसा नहीं है कि ऐड सिर्फ कैटरीना कैफ या करीना ही कर सकती है, आप लोग भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि कमर जिनकी 26 हो वही सुंदर होती हैं, 36 कमर वाली भी सुंदर होती हैं, मतलब अपनी कमर बता रही हूँ. और सच में मुझे आज सच में खूबसूरती का एहसास हो रहा है कि वाकई मैं सुंदर हूँ. और जब से मैंने ये प्रोडक्ट इसकी ऐड किया, उससे पहले से मैं, मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं पहले से यूज़ करूँगी, मैंने सिर्फ 20 दिन पहले यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो चीज़ जिसकी ऐड मैं कर रही हूँ, भारती सिंह जो लोगों को इतना हंसाती है, बिंदास है, कुछ भी बोल देती है, मैंने कहा कि पहले मैंने इनसे मांगी बॉटल, मैंने कहा मुझे दो पहले मैं यूज़ करके देखूँगी. और वाकई जहाँ मतलब मैं यूज़ करती हूँ बॉडी पे पूरा, हमारे सेट पे इतने एसी होते हैं कि बार बार स्किन ड्राई हो जाती है. मैं बार बार अपनी स्किन को खुरच के देखती थी कि जो लोशन की ऐड करने जा रही हूँ वो सही है ना, और वाकई वो बहुत अच्छा है. और आज भी मैंने वही लगाया हुआ है, तो अच्छे लग रहे हैं, देखिए हाथ कर रहे हैं, है ना. और थैंक यू सो मच पॉलोमी, और थैंक यू सो मच जॉय कि आपने मुझे चुना. और आपने सच में जब ये ऐड ऑन एयर जाएगा टीवी पे, बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदलेगा, आधे लोगों के तो मुंह खुले रह जाएंगे, क्योंकि जो पतली लड़कियां बैठी हैं कि हम करेंगी ऐड, ये करेंगी, अरे मोटी लड़की कर रही है, तो वो सच बात थी. और मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी मैंने यहाँ पे डायलॉग बोले पॉलोमी ने लिखे हैं. और सच में मैं पूछती नहीं कि राइटर कौन है, राइटर कौन है, तो ये भी बोलती नहीं थी किसने लिखे. फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने लिखे हैं, और वाकई वो मेरे सब दिल की बातें थी. जैसे आपने ऐड देखा होगा कि बचपन से ही ए लड्डू, ए कैसी हाथी, ए मोटी, ए मोटली, ए मोटू,
यही कहते रहते थे, यही सब नाम मिले थे। तो मतलब आज वही नाम को मैंने अपनी पहचान बना दिया। ठीक है, लोग बोलते हैं मैं मोटी हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं मोटी हूँ। आज से कुछ 10 साल पहले जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और सब लड़कियाँ मस्त छोटे टॉप पहनती थी, जीन्स पहनती थी, और अब मेरे साइज़ का कुछ मिलता ही नहीं था। तो मैं इतना, मेरे को होता था कि यार सब ये कपड़े पतली लड़कियों के लिए मिले, भगवान भी ना। तो आज मैं सॉरी मांगती हूँ भगवान से और थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं इतनी अच्छी इतनी बड़ी ऐड कर रही हूँ। और जितने भी लोग मुझे सुनेंगे या पेपर पे पढ़ेंगे या टीवी पे देखेंगे, तो प्लीज़ उनको मैं कहना चाहती हूँ, आप जैसे हो आपको भगवान ने कुछ सोच के बनाया है। और कभी भी ये मत बोलिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरे माँक है, मेरे बाल नहीं है, मेरे कम है, मैं मोटी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने हमको सोच के बनाया है और मुझे भी सोच के बनाया था, और आज कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं ऐड में, वो तो चलो। और मैंने सोचा था कि जब ये ऐड की बातें हो रही थी तो मैंने बोला कि ऐसा सा मेरा हेयर मेकअप आएगा, इन्होंने बोला हमको हेयर मेकअप चाहिए ही नहीं, आप जैसे हो हमको आपको वैसे दिखाना है, क्योंकि हम वो ऐड वालों में से नहीं है कि प्रॉपर मेकअप करें, ये वो करें, घंटों बैठे फिर मेकअप करें फिर आपको दिखाएं, उन्होंने बोला नहीं। और सच में वैसे मैं शूटिंग में जब जाती हूँ कॉमेडी नाइट्स बचाऊंगी तो कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा तैयार होने में लगता है। ये इधर से कुछ ब्रश फेरा, इन्होंने ब्रश करते चलिए, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बहुत अजीब दिखूंगी, बोला नहीं आप जैसे हैं हमको वैसे ही दिखाना है। और आपने देख ही लिया कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, है ना। आज भी बिना मेकअप के आने वाली थी लेकिन आंखें बहुत सूजी हुई थी क्योंकि सुबह 5 बजे हमारा पैकअप हुआ है, और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कब ऐड ऑन एयर जाएगा और मेरी सारी फ्रेंड्स देखेंगी और सारे लोग देखेंगे जो मोटी मोटी बोलते रहते थे, आप भी देखना। और सच में फॉलो मी, थैंक यू सो मच। बेसिकली ये एक्ट पॉसिबल नहीं था विदाउट पार्टी, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उनको दिमाग में मतलब मद्देनजर रखते हुए किया गया था। उसके बाद वी वेर वेरी कॉन्फिडेंट कि इफ शी इज नॉट विलिंग टू डू दिस वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स, बट बहुत सोचा समझा डिसीजन था। यू रिमेंबर यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट डे आल्सो, उन्होंने मुझे पूछा था कि अच्छा सच बताओ अगर मैं नहीं करती तो आप किसके साथ आएंगे, ट्रस्ट मी अगर नहीं करती तो हम ये कर लेंगे, फिर कुछ वी वुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स। और सच में मैं एक बात बोलूं, सॉरी मेरे घर वालों को नहीं पता मैंने ऐड की, क्योंकि मुझे पता था अपने घर वाले हंस पड़ते हैं तो मैंने बोला कि मैं कुछ कर रही हूँ, उन्होंने बोला क्या कर रही है, तो मैं बोला ऐड कर रही हूँ, तो उन्होंने मन में मेरी मम्मी ने सोच ही दिया होगा कि पक्का आटे की ऐड कर रही होगी या फिर मक्खन या घी की, बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही मैंने अपने फ़ोटो दिखाए उनके जो मैंने खींचे थे इसमें, और अब सिर्फ वो टीवी पे ये ऐड देखेंगे और मम्मी मेरी बहुत खुश होगी कि जल्दी जल्दी शादी में।